मित्रों नमस्कार। आज हारमोनियम लर्निंग के नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों पिछली बार हमने हारमोनियम के पार्ट्स आपको दिखाए थे, फिर लेसन वन और लेसन टू डाला गया था। आज लेसन थ्री आपको बताया जा रहा है। ये वीडियो केवल उन छात्रों के लिए, उन संगीत के नए विद्यार्थियों के लिए है जो संगीत नया नया सीख रहे हैं। मित्रों अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पोस्ट को लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स हमें दें। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हम इस स्वर से बजाना शुरू कर रहे हैं, इसको पहला काला या सी शार्प कहा जाता है। तो यहाँ से शुद्ध स्वरों का अभ्यास है। सारे गम बगनी सानी नी सा। पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि जहाँ दो रीढ़ हैं इनमें तर्जनी और मध्यमा उंगली आनी है, यहाँ अंगूठा नीचे के उसमें, इन तीनों में तर्जनी मध्यमा और अनामिका ऐसे क्रम से आएंगी, नीचे फिर अंगूठा, ऊपर तर्जनी। तो ऊपर जाने को आरोह कहते हैं, नीचे आने को अवरोह कहते हैं, ये आप सीख चुके हैं। उसके बाद हमने दो दो स्वरों का अभ्यास किया था। सा सा रे रे ग ग न म प प द द नी नी सा 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 नी नी ध ध प प म म ग ग इस अभ्यास को आपने ठीक से कर लिया होगा। आज का अभ्यास भी उसी से आगे है कि एक स्वर को हमने तीन बार दबाना है। सा 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 रे 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 ग ग ग म म म प प प त द द नी 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 सा 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 बार के बजाय इस बार तीन बार करना है। इसका एक तरीका और होता है कि एक तो हम सा 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 इसको मारते रहें, दूसरा एक ही स्वर में लंबे समय तक हम सांस लें। ये मैंने पिछली बार भी बताया था, उसका भी एक बार अभ्यास करा रहे हैं। सा सा रे रे ग मित्रों जिस प्रकार से हम आरोह में सा रे ग म प ध नी सा लौटते समय सा नी ध प म ग रे सा योग्य अवरोह, तो पहले हमने एक एक बार किया, फिर सा सा रे रे, फिर इसी तरह से सा 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 रे रे रे। इसी को हम बढ़ा भी सकते हैं तीन बार, चार बार, पांच बार, फिर एक ही स्वर पर अटक के जितना हमारा सांस चल सकता है उसको साधना है स्वर को। जैसे सा रे ग म
पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि गायन सीखने वालों को स्वरों पर ठहराव जरूरी है और थोड़ा सा पेशेंस भी जरूरी है, हमारा धैर्य जरूरी है। हमें जितना हम अभ्यास करेंगे उतनी जल्दी हमें हारमोनियम या गायन आएगा, लेकिन हम लोग अगर जल्दीबाजी में रहेंगे तो फिर जो बेसिक है हमारे वो कमजोर हो जाते हैं। जैसे यहाँ से हमारा बाजा शुरू है, इसी को हमने सा मान के अभी बताना शुरू किया, तो शुद्ध स्वरों में हारमोनियम की प्रैक्टिस के लिए तो हम इसमें तेजी से हाथ इस तरह भी चला सकते हैं। और ठहराव के लिए रुक रुक के भी अभ्यास करना है, तो हमने दोनों तरह के अभ्यास करने हैं। एक तो ठहराव के साथ रुक के और उसके साथ आवाज़ मिला के, इससे हमारा गायन और वादन दोनों मजबूत होगा। और थोड़ा सा हमें जिस तरह से मैंने शुरू से ही बताया है, तो हम हर स्वर में थोड़ा सा तेजी से ऐसे उंगली चलाना भी सीखें आरोह आरोह में, इससे हमारी जो है हारमोनियम में स्पीड बढ़ेगी। तो लगातार स्पीड बढ़ाने का काम भी नहीं करना है, और जितना हम एक स्वर पर ठहराव लेंगे, सा का अभ्यास जितना हम गले से करेंगे उसको मिलाएंगे सा के प्रैक्टिस करनी है। मित्रों, चाहे मौसम कोई हो, सर्दी का हो, गर्मी का हो, बरसात का हो, प्रैक्टिस नियमित करनी है। लेसन बीच बीच में देते रहेंगे, लेकिन ठंड के कारण हम प्रैक्टिस छोड़ दें, गर्मी के कारण प्रैक्टिस छोड़ दें, या बरसात के कारण छोड़ दें, या स्वास्थ्य खराब होने के कारण छोड़ दें, तो ऐसा नहीं करना है। प्रैक्टिस जो है हम आधा घंटा, एक घंटा, दो घंटा जो भी करते हैं, अगर विषम परिस्थितियां भी हैं तो कम से कम 15 मिनट तब भी कर लें, 10 मिनट तब भी करें। प्रैक्टिस नियमित करनी है जिससे हमारा अभ्यास बना रहे और हमको सीखने में सुविधा हो। तो इसी के साथ आज का लेसन समाप्त होता है। अगर अभी तक भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भेजें और अपने कमेंट्स हमें दें, जिससे हम आपको आगे उन कमेंट्स का समाधान भी कर सकें और आपको लाभ मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।